हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का इस वीडियो पे स्वागत करती हूँ। आज हम फालसे का शरबत बनाएंगे। फालसे का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में 250 ग्राम फालसे डालेंगे। अब इसमें करीब एक ग्लास ठंडा पानी डालेंगे। अब फालसे को मिलते हुए इसका सारा रस निकाल लेंगे। इसे हम थोड़ा अच्छे से मस लेंगे ताकि इसके सारे बीज अलग हो जाएं। इसे करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। देखिए, इसका सारा रस निकल चुका है। अब हम इसे छान लेंगे। छानते टाइम इसे अच्छे से रगड़ लेंगे जिससे इसका सारा रस अच्छे से निकल जाए। बाउल में पानी डालकर बचा हुआ रस भी निकाल लेंगे। देखिए, सारा रस निकल चुका है और सफेद बीज भी दिखने लगे हैं। अब हम बीज को निकाल देंगे। सारा रस तो निकल चुका है, अब हम इसे एक बार चला लेंगे। देखिए, हम इसे इतना ही पतला रखेंगे। अगर आपको ये गाढ़ा लग रहा हो तब अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल सकते हैं। अब इसमें 2/3 कप पिसी हुई चीनी, 1 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और सभी को मिला लेंगे। फालसे का शरबत बन चुका है। अब हम सर्विंग करेंगे। इसके लिए 2 ग्लास लेंगे। अब दोनों ग्लासों में थोड़ी थोड़ी बर्फ डालेंगे। अब शरबत को ग्लास में डाल देंगे। फालसे का शरबत बनकर तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। गर्मियों में तो ये बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल होता है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हो तो आप इसे पहले से ही बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और फिर उनके आने पर ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।